कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा हमला बोला। सीहोर पहुंचे दिग्विजय सिंह ने कहा कि पीएम मन की बात सुना रहे हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और उनसे बात करने मोदी शाह नहीं जाते। साथ ही उन्होंने गोपाल भार्गव पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर उनके पास भ्रष्ट अफसरों की जानकारी है तो वो सार्वजनिक करें। किसी भी प्रजातंत्र में विरोध का अधिकार विपक्ष को हमेशा रहता है, आम जनता को रहता है, तो वो चला हुआ है। प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी को उनसे संवाद खोलना चाहिए, उनकी जो भी अगर भ्रम है, कोई शिकायत है, सुनो, निराकरण करो। ये प्रजातंत्र है, एक तंत्र नहीं है कि मन की बात तुम सुनाते रहो और हमारी बात सुनो नहीं। चर्चा करना चाहिए।